नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाक्य क्रिएशन पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर पर होली के कलर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो कलर अवेलेबल होते हैं वो हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम अपने घर पर होली के लिए रंग कैसे बना सकते हैं। इसलिए हमें एक बाउल में चाहिए पानी, फूड कलर और एक बाउल में चाहिए मैदा। बेस के लिए हम मैदे की जगह पर कॉर्नफ्लावर या फिर आरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले मैदे को एक खुले बर्तन में डालेंगे, वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि हमें कितने कलर बनाना है, उसके हिसाब से हम मैदे को बर्तन में डालेंगे। अब हम इसमें फूड कलर मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर रेड ऑरेंज फूड कलर लिया है क्योंकि मुझे होली के रंगों में रेड कलर ज़्यादा पसंद है। फूड कलर भी हम अपने हिसाब से मिलाएंगे कि हमें कैसा कलर चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें एकदम से पानी नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे डाल के और इसे अच्छे से मिलाना है। इसे हाथों से रब करते हुए मिलाना है ताकि जो कलर है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मैदे के अंदर मिल जाए, जिससे कि हमें बहुत अच्छा कलर मिलेगा। इसे हल्के हल्के से पानी डालते जाएं और हाथों से मिलाते जाएं। ये देखिए, इसमें धीरे धीरे इसमें रेड कलर आता जा रहा है और जब हम इसमें अच्छे से लास्ट तक मिला देंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। अब हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है। अब हमें इसे सुखाना है। सुखाने के लिए इसे धूप में नहीं रखना है, इसे कमरे में ही सुखाना है, क्योंकि इससे जो है इसका रेड कलर चला जाएगा। अगर हम इसे कमरे में सुखाएंगे तो इसका रेड कलर ऐसे ही बना रहेगा। तो देखिए, हमारा जो मिक्सचर है अब सूख चुका है। अब हम इसे ग्राइंड करने के लिए एक जार में डालेंगे और इसे हम 5-6 सेकेंड के लिए ग्राइंड करना है। ये देखिए, हमारा कलर अब है तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। ये देखिए, हमें कितना अच्छा एकदम रेड कलर मिला है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा कलर है। तो देखिए कितना इजी है, हम इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। आप लोग भी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है इसे बनाना। और रेड की जगह आप कोई भी फूड कलर इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप के कलर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।